Hello class 10 students, welcome to today's online class. In today's class we are going to understand a very important topic that is DC motor. Sometimes it is also called as electric motor. The basic thing is electric motor, but the first part of electric motor is DC motor. What is DC here? It means direct current motor. Before understanding this, let us revise what we understood in previous class. Before this class, we understood that whenever current carrying wire, just assume that this is a wire and through it I current is flowing, is kept in a magnetic field. Current carrying wire is kept in a magnetic field. It feels a force. इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड में जब एक करंट कैरिंग वायर को रखा जाता है तो इसके ऊपर एक फोर्स काम करने लगता है. इस फोर्स के डायरेक्शन कैसा पता चलेगा, इसका फोर्स का डायरेक्शन, तो उसके लिए हमने देखा था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. और क्यों फोर्स काम करता था उसको भी मैंने डिस्क्राइब किया था, उसको भी समझाया था. देखिए, मैग्नेटिक फील्ड है, दो मैग्नेट्स के पोल है ना, दो मैग्नेट्स के पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड होगी और मैग्नेटिक फील्ड होने के कारण ये दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स लगाएगी. दूसरा कौन सा मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है यहाँ पे, इस करंट कैरिंग वायर के कारण. देखिए, हमने पहले इस चैप्टर में पढ़ लिया है कि करंट कैरिंग वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगा और एक मैग्नेट के लिए भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेट के आसपास भी मैग्नेटिक फील्ड होगा. तो मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेट के कारण भी है और इस करंट कैरिंग वायर के कारण भी है. ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड जब एक दूसरे से इंटरेक्ट करेगी तो एक फोर्स क्रिएट होगा, वो फोर्स इस वायर को मूव कर देगा. और उसी प्रिंसिपल पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्ट करंट मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर, और उसका पहला टाइप है डायरेक्ट करंट मोटर. So let us go through this DC motor and understand this apparatus, this instrument. ये जो भी device है, इस device से related हमें चार चीजों को, कभी भी किसी device से related question पूछता है तो चार चीजें बतानी पड़ती हैं. पहली चीज होती है उसकी principle, सिद्धांत. Second thing is its diagram. Then construction, संरचना, and the last thing is working. जब भी किसी डिवाइस के बारे में बताएंगे तो इन चार चीजों को हमें डिस्क्राइब करना होगा, किस प्रिंसिपल पे वो काम करता है, कैसा उसका डायग्राम है, और उसी से रिलेटेड कुछ उसमें पार्ट्स लिखने होंगे कि ये पार्ट ये कहलाता है, इसको ऐसा रखते हैं, इसके बाद ये रखते हैं. वो हो गया कंस्ट्रक्शन, एंड द लास्ट थिंग इज वर्किंग, कार्य प्रणाली, वी कॉल इट वर्किंग, कैसे काम करता है. So this four thing we will see one by one. So let us go through this. First thing is principle, in which we will understand what is electric motor first of all. So what is electric motor? Electric motor, it is a device which converts electrical energy या electrical energy into mechanical energy. ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी इलेक्ट्रिसिटी लेता है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करता है और उससे उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है. मैकेनिकल एनर्जी मीन्स सम काइंड ऑफ रोटेशन मीन्स इलेक्ट्रिसिटी लेगा और उस इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट कर देगा किसी प्रकार के मोशन में. व्हाट आर द डिवाइसेस व्हिच यू सी अक्रॉस अराउंड योरसेल्फ, जिसमें आप देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी से वो गोल घूमने लग जाते हैं. यू कैन सी दैट दोज आर फैंस, मिक्सर ग्राइंडर, इलेक्ट्रिक मोटर्स आर, इलेक्ट्रिक बाइक्स आर देयर. यू विल सी सम मोटर्स, पंप्स, मोटर्स आर देयर. कुछ पंप होते हैं ना जिसमें मोटर लगे रहते हैं, वो गोल घूमते हैं.
तो ये सारी चीजें हैं दिस डिवाइसेस, उसमें जो डिवाइस लगा है जो रोटेशनल मोशन क्रिएट कर रहा है वो रहता है इलेक्ट्रिक मोटर। और वो करता क्या है, वो उसी प्रिंसिपल पे काम करता है जो प्रिंसिपल हमने अभी अभी नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में समझा था। क्या था वो प्रिंसिपल, पहले तो समझाना पड़ेगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक मोटर। तो इलेक्ट्रिक मोटर इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसको इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट के, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसको करंट के फॉर्म में मिल रहा है, और मैकेनिकल एनर्जी वो क्या बनाएगा, रोटेशन ऑफ द आर्मेचर। आर्मेचर क्या होता है उसको बाद में देखेंगे, वो किसी प्रकार का रोटेशन प्रोवाइड करेगा, और उस रोटेशन को हम लोग पंखे की तरह यूज करें, चाहे वो मिक्सर ग्राइंडर चलाने के लिए, चाहे व्हील्स को रोटेट करने के लिए, या फिर पंप को रोटेट करने के लिए जो पानी को ऊपर चढ़ाएगा। किस प्रिंसिपल पे काम करता है, प्रिंसिपल की बात समझते हैं, क्या सिद्धांत पे, तो वही सिद्धांत है फोर्स एक्ट्स ऑन अ नो करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग कंडक्टर या वायर कैप्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, कैप्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, कैप्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड फील्स अ फोर्स ऑन इट। मतलब एक करंट कैरिंग वायर को हम मैग्नेटिक फील्ड में अगर रख देंगे तो उस पर फोर्स काम करेगा, और उसके फोर्स का डायरेक्शन हमें कहां से मिलेगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। इसके नोट्स में पीडीएफ के द्वारा आपको दे भी दूंगा, मगर राइट नाउ व्हाट इज द प्रिंसिपल, करंट कैरिंग वायर, जब करंट कैरिंग वायर पे मैग्नेटिक फील्ड भी लगा हुआ है तो उस पर फोर्स काम करने लगेगा, और उसका फोर्स का डायरेक्शन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से होगा। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को अच्छे से समझना ही पड़ेगा, देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस टुडेज लेक्चर। देन विल मूव टू द डायग्राम, सो लेट अस गो थ्रू द डायग्राम। सो लेट अस अंडरस्टैंड द डायग्राम ऑफ डीसी मोटर। So what are the things, construction and diagram, both things we will understand side by side. First of all, construction, let us see what is there in the DC motor construction. It mainly consists of following parts. First one is strong magnet. So as we have understood, मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत पड़ेगी और एक करंट कैरिंग कंडक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, चलो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट कुछ ऐसा है, ये है मैग्नेटिक पोल, ट्राई टू मेक इट बाय योरसेल्फ सो दैट यू विल बी एबल टू मेक इट इन द बोर्ड एग्जाम आल्सो। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल के बीच में मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसके बीच में एक करंट कैरिंग वायर होगा। दिस वायर विल बी इन अ फॉर्म ऑफ लूप, विच मीन्स दैट रेक्टेंगुलर लूप, and this wire is going to be connected. So ये हुआ हमारा armature coil, A B C D armature coil. So next part will be armature coil. इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक coil मतलब wire का एक loop जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, तो हम इसलिए इसको आर्मेचर बोल रहे हैं। इसके आर्म्स होंगे, दो आर्म्स होंगे, कौन कौन से दो आर्म्स हैं, जैसे हमारे दो हाथ है वैसे, आर्म वन ए बी एंड आर्म टू सी डी। दिस आर्मेचर कॉइल इज गोइंग टू गेट कनेक्टेड टू टू हाफ रिंग्स, हाफ रिंग जैसे कि हाथों उंगलियों में पहनने वाला छल्ला सा होता है, उस प्रकार के रिंग होगी, एक रिंग होगी, दो रिंग होगी। हाफ रिंग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो बीच से
टूटी हुई होगी, आधी रिंग टाइप की होगी ये, कुछ इस तरीके से। दीज आर कॉल्ड स्प्लिट रिंग, इसको हम कहते हैं स्प्लिट रिंग, स्प्लिट रिंग, क्योंकि ये स्प्लिटेड है, बीच से जुड़ी हुई नहीं है, इसलिए इसको स्प्लिट रिंग कहते हैं। कभी कभी इसे किसी कुछ बुक्स में हाफ रिंग भी लिखा हुआ है, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, द सेम थिंग इज देयर। ये आर्मेचर इससे कनेक्टेड, ये आर्मेचर इस रिंग से कनेक्टेड है, और ये रिंग बीच से अलग है, एक दूसरे से बीच से अलग है। ओके, आई होप दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द डायग्राम। बीच से अलग है, एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है, इट इज समथिंग लाइक दिस वन रिंग एंड अनदर हाफ रिंग, सो दे आर नॉट कनेक्टेड, सम अ लिटिल गैप इज देयर। ओके, फिर इस हाफ रिंग से कनेक्टेड है कार्बन ब्रश। ये एक ब्रश, एक कार्बन का एक टुकड़ा सा होता है जो, हाँ टुकड़ा सा होता है जो क्या करता है, इस स्प्लिट रिंग पे टच रहता है, स्प्लिट रिंग पे टच रहता है। ये आर्मेचर गोल घूमने वाला है, स्प्लिट रिंग भी गोल घूमने वाली, हम देखेंगे उसके बारे में। और ये जो ब्रश है, कार्बन ब्रश जो है, वो यहां पर ही रहेगा, और इस ब्रश से कनेक्टेड रहती है बैटरी। सो लेट अस कनेक्ट द बैटरी, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, और फिर कनेक्ट कर देंगे हम लोग एक की, की मतलब स्विच। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। ओके, सो दिस इज द कंप्लीट डायग्राम, अ लिटिल बिट ऑफ डिस्क्रिप्शन इज लेफ्ट। सी दिस इज द एक्सिस अबाउट विच दिस विल रोटेट, और कैसे रोटेट करेगा अभी देखते हैं। फिर से लिखते हैं, स्प्लिट रिंग हो गया, स्प्लिट रिंग यहां हो गई, नाम दे देते हैं उस स्प्लिट रिंग को S1, S2, ठीक, यहां पे नाम दे देते हैं। ये स्प्लिट रिंग है S1 और ये स्प्लिट रिंग है S2, ये। फिर उसके बाद था कार्बन ब्रश, कार्बन ब्रश B1 एंड B2, ये कार्बन ब्रश B1, ये कार्बन ब्रश B2, एंड देन बैटरी की स्विच। सो दिस इज इट। सो सर हाउ दिस विल रोटेट, लेट अस सी, एनीथिंग एल्स, यस बैटरी, फिफ्थ वन इज बैटरी, एंड द लास्ट थिंग इज की, की या फिर स्विच, यू कैन राइट लाइक दैट। सो नाउ दिस इज द डायग्राम, दिस इज अ outlay of the diagram, and see here what is happening now. Now we are moving towards the working, and I'll give you the notes of working in PDF format, but from the diagram I'm going to explain you that. So let us see. सबसे पहले देखते हैं कि करंट का फ्लो कैसे होने वाला है। पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकला, ये है पॉजिटिव टर्मिनल, करंट निकला, करंट इधर गया, करंट B2 में गया, कार्बन ब्रश B2 से स्प्लिट रिंग S2 में गया, और वहां से निकलकर आर्मेचर में जाते हुए AB में A से B जा रहा है, AB आर्मेचर कॉइल के साइड AB में A से B में जा रहा है, देखिए A से B में जा रहा है, गोल घूमते हुए C से D आ रहा है, फिर S1 स्प्लिट रिंग में आ रहा है, B1 कार्बन ब्रश में आके वापस नेगेटिव टर्मिनल में करंट आ जा रहा है। यहां जाकर सर्किट कंप्लीट हो रही है, और सर्किट कंप्लीट होगी तभी करंट फ्लो होगा, सर्किट कंप्लीट होगी तभी करंट फ्लो होना है, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में करंट वापस आना है, तब जाके इस आर्मेचर में करंट फ्लो होगा। ओके, नाउ तो वर्किंग में, अबाउट द वर्किंग, सो दिस वॉज द कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हम लोग और क्या लिख सकते हैं, इनके पार्ट्स का, ये जितने मेन पार्ट्स है, दिस आर द मेन पार्ट्स ऑफ द डीसी मोटर, और इस पार्ट्स को आप you can specify the how they are placed, you can write like that, then in between the magnetic pole NS, magnetic pole, strong magnetic poles NS, armature ABCD is kept connected to split ring, then to the carbon brush, and that carbon brushes are connected to the batteries and key, you can write like that.
then after that we'll move towards the working. So let us see, let us understand the working from the same diagram, and I'll write down the important key points also. So about the working, let us first of all understand. So we understood from where the current is flowing. Current is flowing from positive terminal to B2, then S2 to the armature side AB, A to B. तो चलो साइड ए बी के लिए हम देखते हैं कि क्या होने वाला है. नॉर्थ से साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड काम कर रही है. ये रही नॉर्थ से साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड काम कर रही है. मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा हो गया. करंट फ्लो कर रहा है ए से बी. करंट फ्लो कर रहा है ए से बी. ओके, सो करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी. यू कैन शो द डायरेक्शन समथिंग लाइक दिस. इनसाइड द बोर्ड है ना, समझ लो आप ये इनसाइड द बोर्ड, बोर्ड के इनसाइड में जा रहा है करंट. वो इस ग्रीन बोर्ड के इनसाइड जा रहा है. और मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से साउथ पोल, एंड करंट का डायरेक्शन है फ्रॉम ए टू बी, मतलब इनसाइड द बोर्ड. सो ये हो गया करंट. एंड वी ऑलरेडी नो दैट एक मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर होगा तो उसमें एक फोर्स काम करेगा. एक मैग्नेटिक फील्ड में इस मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, और अगर हम करंट कैरिंग कंडक्टर को उसमें रख देते हैं, एक करंट एक कंडक्टर को रखते हैं जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, तो उसमें एक फोर्स काम करेगा. और उसके फोर्स का डायरेक्शन किससे पता चलेगा? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. सो लेट अस सी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में मैग्नेटिक फील्ड हमारी फोर फिंगर से, पहली फिंगर से हम मैग्नेटिक फील्ड को शो करते हैं. चलिए मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन रख दिए, और करंट का डायरेक्शन ग्रीन बोर्ड के अंदर जा रहा है. ये रहा ग्रीन बोर्ड के अंदर, ये रहा, ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड ग्रीन बोर्ड के अंदर के डायरेक्शन में मैंने अपनी मिडिल फिंगर को रखा. तो मैं जब अपनी थंब को स्ट्रेच करूंगा परपेंडिकुलर, तो थंब जिस डायरेक्शन में दिखाएगा उस डायरेक्शन में फोर्स होगा. किधर जा रहा है अभी फोर्स, किधर है? डाउनवर्ड. यस, सो दिस इज द अप्लाइड फोर्स. ये फोर्स काम करेगा इस आर्मेचर पे, इस साइड आर्म पे, ए बी आर्म पे काम करने वाला फोर्स एफ नीचे के डायरेक्शन में, नीचे के डायरेक्शन में. सो दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट. ये पहले पॉइंट में बता सकते हैं आप. क्या बता सकते हैं? फॉर द आर्म ए बी, कंस्ट्रक्शन बताने के बाद, फॉर द आर्म ए बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम ए टू बी फॉर द कंडक्टर. देन द फोर्स विल एक्ट अपॉन इट एंड हुज डायरेक्शन विल बी डाउनवर्ड बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. अब हम लोग पहुंचते हैं नेक्स्ट आर्म. इस आर्मेचर का दूसरा हाथ क्या है, दूसरा आर्म क्या है? सी डी. सी डी में करंट कैसा फ्लो हो रहा है? सी से डी. सी डी में करंट कैसा फ्लो हो रहा है? सी से डी. तो चलो ये फिर से यहां पे हो जाना है. मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है नॉर्थ से साउथ, मगर करंट के फ्लो का डायरेक्शन जा रहा है अब सी से डी, बोर्ड से बाहर निकलता हुआ. मैंने डायग्राम में कैसे बताऊं, बोर्ड से बाहर निकलता हुआ डायग्राम नहीं, मगर ऐसा मैंने शो करने के लिए 3D डायग्राम बनाया. सी से डी जा रहा है करंट. तो चलिए लेफ्ट हैंड थंब रूल, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ, करंट का डायरेक्शन बोर्ड से बाहर निकलता हुआ. देखिए बोर्ड से बाहर निकलता हुआ, स्ट्रेच इट टू द 90 डिग्री. बोर्ड से बाहर निकलता हुआ करंट का डायरेक्शन, थंब को स्ट्रेच करो परपेंडिकुलर, थंब का डायरेक्शन किधर दिखा रहा है? उस डायरेक्शन में आपका फोर्स होगा. थंब का डायरेक्शन किधर दिखा रहा है? ऊपर के डायरेक्शन में. फोर्स ऊपर होगा सर, फोर्स का डायरेक्शन ऊपर, फोर्स का डायरेक्शन ऊपर. F. F. So now see what is happening. AB arm में, मतलब इस आर्मेचर ABCD में हमें फोर्स, दो फोर्सेस मिल रहे हैं. पहला फोर्स आर्म AB को नीचे धकेल रहा है, और दूसरा फोर्स CD को ऊपर धकेल रहा है. और ये दोनों फोर्स एक दूसरे के बराबर होंगे, क्योंकि I करंट सेम फ्लो हो रहा है, दोनों एक ही मैग्नेटिक फील्ड के बीच में है, मतलब फोर्स भी दोनों पे सेम होगा. मतलब F इधर और F इधर. आप कभी सोचिए, आप जब किसी भी चीज को गोल घुमाते हैं, किसी व्हील को या किसी गाड़ी की स्टेयरिंग को, देन व्हाट डू यू डू? यू मेक रोटेशन विद द हेल्प ऑफ टू फोर्सेस विच आर ऑन द बोथ साइड इक्वल इन अपोजिट इन डायरेक्शन. देखो ये दो फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट तो है, मगर सेम लाइन में नहीं है. एक यहां पर काम कर रहा है और एक यहां पर. अब इस कारण से ये कुछ ऐसा रोटेट होगा. कैसा रोटेट होगा? ऐसा रोटेट होगा, रोटेट होगा, ऐसा रोटेट होगा. तो चलो अभी हमको इसका डायरेक्शन मिल गया है, कुछ ऐसा रोटेशन चालू हो गया.
रोटेशन चालू हो गया, ये डी सी आर्म, सी डी आर्म ऊपर उठेगा और गोल घूमने लगेगा। मगर अब बात फंसती है कि जब ये सी डी आर्म जब यहां पे पहुंचेगा, साउथ पोल के पास पहुंचेगा, तब क्या कहानी होगी। तो इसीलिए हमने अभी जो कहानी बताई उसको हम लोग बोलेंगे फॉर हाफ रोटेशन। फॉर हाफ रोटेशन, देखिए सी डी आर्म जब साउथ पोल तक पहुंचेगा तब तक हाफ रोटेशन कंप्लीट हो गया रहेगा, आधा रोटेशन कंप्लीट हो गया रहेगा। आधा रोटेशन कंप्लीट होने के बाद थोड़ी सी बात बदल जाएगी। क्या बदलेगा? अब देखो ये सी डी, ये सी यहां पहुंच गया, ये डी यहां पे पहुंच गया, यहां का जो ए था वो आर्म अब इधर पहुंच गया, यहां ए आ गया है और यहां बी आ गया है, ठीक है। अब कैसा फोर्स लगेगा? क्या फोर्स इसके रोटेशन को चेंज कर देगा? करंट कैसा फ्लो होगा इसको भी देखते हैं। मगर उससे पहले ये सी डी जब पलट गया तो स्प्लिट रिंग भी चेंज हो जाएगी। देखिए स्प्लिट रिंग इस आर्मेचर से जुड़ी हुई है, वो भी गोल घूमकर पलट गई, मतलब अब ये एस टू हो गया है और अब ये S1 हो गया। आर्मेचर गोल घुमा, हाफ रोटेशन कर लिया, हाफ रोटेशन के बाद स्प्लिट रिंग भी चेंज हो गई, स्प्लिट रिंग भी गोल घूमी, तो ये इधर का S1 जो था हाफ रोटेशन के बाद इधर पहुंच गया और इधर का S2 हाफ रोटेशन के बाद इधर पहुंच गया, मगर कार्बन ब्रशेस वही के वही रहे, ठीक। अब करंट के डायरेक्शन को देखते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा, V2 से S1 में जाएगा, अब देखो यहां S2 था पहले मगर अब S1 है, S1 में जाएगा और D से C की ओर करंट बहेगा। देखो D से C की ओर करंट जा रहा है, अभी भी पहले ये CD जब इधर था तो करंट ऐसा आ रहा था, मगर अब ये इधर पहुंचा तो D से C की ओर जा रहा है, इधर से B से A की ओर जा रहा है। याद करो ये AB जब इस तरफ था तो A से B में जाता था, मगर अब कैसा जा रहा है? कंफ्यूज होने की बात नहीं है, आप सिर्फ इमेजिन करना जब स्प्लिट रिंग चेंज हो जाएंगे तो क्या होने वाला है। इसीलिए तो हमने स्प्लिट रिंग को अलग बनाया है, दो रिंग्स, टू रिंग्स आर देयर विच आर नॉट इन कॉन्टेक्ट। सो सी नाउ करंट इज फ्रॉम बी टू ए एंड हियर बी से सी, ए से एस टू में जाता है, एस टू स्प्लिट रिंग से बी वन में जाकर नेगेटिव टर्मिनल में। सो नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, उसको जानने के लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, अभी भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है। पहले हम लोग सी डी के लिए देखते हैं, सी डी आर्म के लिए देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, नॉर्थ पोल से साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। अब डायरेक्शन ऑफ करंट फॉर सीडी, पहले सीडी के लिए देख रहे हैं ना, आर्म सीडी के लिए देख रहे हैं, डी से सी यानी कि बोर्ड के अंदर, ये हो गया करंट, एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी सी, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, डायरेक्शन ऑफ करंट इनसाइड द ग्रीन बोर्ड अंदर की तरफ, और फोर्स विल बी डाउनवर्ड, फोर्स विल बी डाउनवर्ड, यानी कि यहां पे फोर्स रहेगा F, ठीक, बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। नाउ फॉर द आर्म AB, अब AB के लिए देखते हैं क्या हो रहा है। अब हाफ रोटेशन के बाद में मैग्नेटिक फील्ड अभी भी नॉर्थ पोल से साउथ पोल है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, एंड करंट का डायरेक्शन एबी के लिए बाहर निकलता हुआ, ग्रीन बोर्ड से बाहर निकलता हुआ, मतलब ये करंट हो गया, एंड द फोर्स विल बी अपवर्ड बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल फोर्स। सो हियर द फोर्स इज एफ। सो अगेन नाउ यू कैन सी दैट दिस इज गोइंग टू रोटेट, एक फोर्स ऊपर जा रहा है, एक फोर्स नीचे आ रहा है दूसरे आर्म में, दोनों एक दूसरे के बराबर है मगर एक लाइन पे काम नहीं कर रहे, अपोजिट तो है। अब ये फिर से रोटेट करेगा और सेम डायरेक्शन में रोटेशन, देखो पिछली बार का रोटेशन ऐसा था, अभी भी ऐसे ही रोटेशन हो रहा है, देखो ये वाला फोर्स इधर ले इधर। सो यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर कि साउथ पोल के पास में जो भी आर्म आ रहा है वो नीचे की तरफ फोर्स फील करेगा और नॉर्थ पोल के पास जो भी आर्म आ रहा है वो ऊपर की तरफ फोर्स फील करेगा, और इसके कारण से ये कंटिन्यूस रोटेशन में रहेगा। कंटिन्यूस रोटेशन में आर्मेचर गोल घूमते रहेगा, सामने से देखने पर ये कौन सा रोटेशन दिख रहा है, क्लॉकवाइज रोटेशन पे गोल घूमता हुआ दिख रहा है। एंड दिस इज हाउ आवर डीसी मोटर वर्क्स। डीसी मोटर में हम लोग डायरेक्ट करंट देते हैं, डायरेक्ट करंट हमको कहां से मिलता है, डायरेक्ट करंट हमको मिलता है एक बैटरी से, ऐसा करंट जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, जिसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। सो
डीसी मोटर, दिस वॉज द वर्किंग ऑफ डीसी मोटर. हाउ यू कैन एक्सप्लेन दैट इन थ्री वे, इन थ्री पॉइंट्स. फर्स्ट पॉइंट विल बी दैट हाउ द करंट इज फ्लोइंग, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है. फिर उसके बाद हाफ रोटेशन का हमने पहले एक्सप्लेनेशन किया कि जब ए बी सी डी ऐसा था तो करंट कैसा फ्लो हो रहा था, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाया, कैसे फोर्स लग रहे थे, कैसा रोटेशन होगा. देन फॉर द सेकेंड हाफ रोटेशन, जब सी डी इधर हो गया और ए बी इधर हो गया, देन हाउ टू हाउ इज द रोटेशन. एंड इन द लास्ट यू विल टेल दैट फोर्स ऑन द आर्म टूवर्ड्स मीन्स बाय द साइड ऑफ साउथ पोल विल ऑलवेज बी डाउनवर्ड एंड बाय द साइड ऑफ नॉर्थ पोल विल ऑलवेज बी अपवर्ड एंड इट विल रोटेट इट इन अ कंटिन्यूअस रोटेशन. फ्रॉम हियर यू कैन से इट इज क्लॉकवाइज. सो दिस वॉज अबाउट इलेक्ट्रिक मोटर, डीसी मोटर. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सी अल्टरनेटिंग करेंट मोटर, एसी मोटर. वी विल सी अबाउट एसी मोटर और वी विल सी वी कैन वी विल ऑल्सो कम टू नो अबाउट जनरेटर्स. सो दिस वॉज अबाउट टूडेज क्लास. इन टूडेज क्लास वी अंडरस्टैंड वी अंडरस्टूड डीसी मोटर एंड द क्वेश्चन इज बींग आस्ड इन सच अ वे दैट एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ डीसी मोटर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. On which principle DC motor works? Electric motor के बारे में बताओ. In that way question is being asked. हमें जब भी कोई question पूछे हमें चार points को ध्यान रखना है. Principle, construction, diagram and working. We have to explain in these four points only. Otherwise because the numbers are being allotted in that way only. So this is it for today. Keep studying. Have a nice day.